ओके, तो आज SCF एंड LCM को देख लेते हैं, और इसमें कौन चीज़ छोड़ने वाला है, कौन चीज़ पढ़ने वाला है वो देख लेना है। तो SCF LCM तो क्लास 9th या 10th का मैथ्स होता है, ये कह सकते हैं क्लास 6 या 5 का ये SCF LCM होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में इसको कैसे सॉल्व करने का तरीका होता है और कितना शॉर्ट ट्रिक्स इसको हम बना सकते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं SCF क्या हो गया। ये SCF का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का हो गया लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। नो, तो एलसीएम भी बहुत इजी, तुम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाले होगे। और इससे अच्छा पे तो देख लेते हैं फैक्टर क्या होता है। फॉर एग्जांपल 30 ले लेते हैं, तो 30 देखना है कि 30 को कौन कौन सा नंबर इसको डिवाइड करता है। तो 1 का टेबल में 30 आ जाएगा, 2, 3, 5, 6, 10, ओके, 15 एंड 30। तो ये सब जो नंबर है ये सब इसका फैक्टर कहलाएगा। ओके, कि 30 का कौन कौन फैक्टर है, तो दिस नंबर द फैक्टर्स ऑफ 30। ओके, फैक्टर होगा। अब इसी में हाईएस्ट फैक्टर कौन होगा, लेकिन यहाँ पे बात है कॉमन का, तो कॉमन इसमें नहीं होगा जब तक कि इसमें दो नंबर और ऐड नहीं हो जाए। जैसे कि 30 हो गया, कोई बोलता है 40 का निकालो, तो 40 का भी कुछ नंबर होगा, जैसे 1, 2, 3 नहीं होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20। तो ये इसका एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब इसमें से इसका अपना एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब कॉमन फैक्टर, इस दोनों कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, तो हाईएस्ट कॉमन होगा 10, क्योंकि इसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर है जो इस दोनों को फैक्टर कर रहा है। और नाउ अब इसका थोड़ा देख लेते हैं, इसका बेसिक न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बनता है। ओके, आपको कल का भी SCF को हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट भी, ये सभी को बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, तो SCF जो मेरा रिजल्ट होता है, SCF को दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। प्राइम नंबर तो ये तो इसका फैक्टर कहलाया, ठीक है, इसका फैक्टर बहुत बेसिक डिफरेंस है, ये फैक्टर कहलाया। अब प्राइम नंबर कहलाता है कि द नंबर विच डिविजिबल बाई वन एंड इट सेल्फ ओनली, वैसा नंबर जो कि सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 3, तो 3 क्या है, वन से भी डिविजिबल होगा और सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा। उससे तुम साथ ले लो, ये लो 5, वन से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा, तो वन से एंड इट्स सेल्फ। ओके, इसके अलावा एक से ज़्यादा नंबर नहीं होता। ऐसा नंबर जो एक से ज़्यादा डिविजिबल, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो दिस 3 एंड 5 एस ऑन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर। ओके, अब तुम ले लो 4, कि 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल एंड 4 से है। तो 1 तो वो अपने से, 4 से, लेकिन 2 एक्स्ट्रा हो गया, इसको बोलते हैं, इस तरह का नंबर बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो SCF में कंपोजिट कोई रोल नहीं है, तो इसको काट देते हैं, पढ़ने की जरूरत इसको नहीं है सब ना। तो SCF हो गया कहाँ, SCF तो हो गया कि इस जो कॉमन फैक्टर जो होता है, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, वो भी मेरा इसका निकल जाएगा, या नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का भी इसका रिजल्ट निकल जाता है। तो प्रोजेक्ट कौन कौन सा इसमें हमारा कॉमन होगा, अब देखो तुमको इसी में दूसरा एग्जांपल दिखा देते हैं। इसी में हम, एक तो रूल हो गया कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो भी तुम्हारा रिजल्ट इसका 10 हो गया। तो 30 और 40 का SCF कितना निकला तुम्हारे हिसाब से कॉमन, वो 10 निकला, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। दूसरे डेफिनेशन में ये भी हो सकता है कि SCF का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ और प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है उसको भी हम SCF बोलते हैं। जैसे कि देख लो,
वन क्या है? प्राइम नंबर है क्योंकि वन से आप डिविजिबल होगा। फिर देखो टू क्या है? एक प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने से या टू से डिविजिबल होगा। थ्री भी प्राइम नंबर है लेकिन इसमें थ्री नहीं है तो ये कॉमन नहीं हुआ। अच्छा फाइव देख लो, ये क्या है? फाइव क्या है? प्राइम नंबर है जो खुद से डिविजिबल होता है लेकिन दोनों में कॉमन आ गया। अब इस सब का प्रोडक्ट कर लो, मतलब टू फाइव एंड वन इक्वल टू टेन, आ गया आंसर। तो इसका एचसीएफ का दो टू डिफिनेशन होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर कॉमन आ जाए वो भी तुम्हारा एचसीएफ कहलाएगा, या दूसरे डिफिनेशन बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर का भी आंसर उस दोनों नंबर के एचसीएफ कहलाएगा। इसके लिए अब एचसीएफ को निकालने का जो प्रोसेस है वो कौन कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तो एचसीएफ को निकालने का जो कम समय में निकाल सकता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है वो होगा डिवीज़न मेथड। ओके, तो डिवीज़न मेथड इजी होगा किसके तुलना में, जैसे जिस मेथड से हम लोग निकालते हैं, इसका दो मेथड हो गया, जैसे एक प्राइम फैक्टर मेथड भी हो सकता है और प्लस एक डिवीज़न मेथड भी होता है। तो एचसीएफ निकालने का दो तरीका मेथड होता है, ओके टू मेथड्स होता है। एक मेथड का नाम है जो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। दूसरा मेथड जो हो गया है वो मेरा मेथड ऑफ डिविजन्स हो गया, मेरा दूसरा मेथड हो गया मेथड ऑफ हाँ डिविजन्स हो गया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस मेथड को ज़्यादा फोकस करो, इस मेथड को छोड़ दो, ठीक है, इस मेथड का यूज़ बहुत ज़्यादा आगे होगा, बराबर नंबर को डिवाइड करने में आसानी हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हमारा होता है डिवीज़न मेथड, उसको या देख लेते हैं कि डिवीज़न मेथड हमारा कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल कि टू कैलकुलेट द एचसीएफ और 42 and 70, ओके इसका निकालना है एचसीएफ। तो इसका एक रूल होता है वो देख लेना है कि रूल क्या है डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉल नंबर, ओके मतलब डिवाइड करें ग्रेटर नंबर को बाय द स्मॉल नंबर, तो जो 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 छोटा नंबर है उससे हम उसको बड़े नंबर को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ तक होने के बाद आगे डिस्कस करते हैं कि डिवाइड द रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर आ जाएगा मेरा, बाय द नेक्स्ट रिमाइंडर। तो इस तरह का तुम्हारा काम होता चला जाएगा। एक तो एग्जांपल दे देते हैं, 42 और 72 का डिवीजन करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे छोटा नंबर मेरा 42 है, बड़ा नंबर 70 है, तो रूल क्या है कि छोटे नंबर से भाग देंगे 42 से 70 से, ओके तो वन टाइम में जाएगा 8 and 2, ये हो गया मैं रिमाइंडर, ठीक है ना। अब फिर जो है रिमाइंडर को डिवाइड करना है जो मेरा नेक्स्ट जो डिवाइडर था उससे, ठीक है, क्योंकि 70 को भाग दे दिए हैं, अब 42 को भाग देंगे इससे, तो कितने टाइम में जाएगा, वन टाइम में, क्लियर 40 रिमाइंडर। अब फिर इस 40 को ये जो मेरा रिमाइंडर है इससे भाग देंगे, ठीक है ना। तो मेरा इसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ,
तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया मेरा दिस वन 40, ठीक है, जिससे कि फाइनल डिवाइड हो गया। तो क्या रूल किया कि सबसे पहले छोटे नंबर को डिवाइड देंगे, देन जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर इस नंबर से डिवाइड देंगे, फिर जो रिमाइंडर बच गया फिर इससे हम डिवाइड देंगे चल जाएंगे। तो ये हमारा 40 इसका हो गया। अच्छा कुछ और रूल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम तीन नंबर का ले लें कि तीन नंबर को कैसे डिवाइड कर दे सकते हैं, तो वो हो गया। तो एक और हम एक ईजी हम ले लेते हैं कि तुमको निकालने के लिए कि निकाला जाए। थर्टी एंड 40 को करो, ठीक है ना, डिवाइड मेथड से। और इसका तो हम देख चुके थे, फैक्टर मेथड से देखे थे, यहाँ पे फैक्टर मेथड से देख लिए थे। ओके, और डिवाइड मेथड से कैसे करेंगे वो देख लो। तो रूल क्या है, छोटा से हम डिवाइड दे देंगे वन टाइम्स में, ठीक है, और फिर ये जो बच गया इसको ले लेंगे इधर, ये जो 30 जो बच गया था इधर ले लेंगे, तो 3 30। तो किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो गया, वो हो गया मेरा दिस नंबर। ओके, तो 10 इज क्या हो गया, एससीएफ। किसका एससीएफ हो गया, 30 एंड 40 का एससीएफ निकाल आ गया। ओके, और नेक्स्ट इसको हम डिस्कस करेंगे थ्री नंबर के लिए, जैसे कि अगर थ्री नंबर मेरे पास हो तो थ्री नंबर कैसे डिवाइड देते हैं। तो फाइंड द एससीएफ ऑफ 1365, 156 एंड 1754। अब इतना नंबर है, अब इस नंबर को हमको डिवाइड देना है, इसका एस सी एफ निकालना है। तो एस सी एफ कैसे निकाल सकते इसको हम लोग हैं, तो बस वही है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ये तो 1365 डिवाइड बाय सबसे इसके बाद का नंबर कौन है 1560, ये सबसे बड़ा को बाद में, छोटा को उसके बाद का नंबर। तो वन टाइम में कट जाएगा, कितना आ गया 195। ओके, इसके बाद फिर इसको यहाँ ले लेंगे, कितने बार में डिवाइड कटा, सेम बार में क्लियर हो गया। तो 195 इज द एससीएफ ऑफ 1365 एंड 1560 का एससीएफ निकल गया, लेकिन मेरे से बचा हुआ है। तो अब क्या करना है कि जो मेरा डिवाइड हो गया है, तो अब इस नंबर को इसके साथ चलेंगे, तो 195 एंड 1755 के साथ अब हम लोग चलेंगे। तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो 195 1755 को हम डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड करने पर देखो कितना कट जाएगा, लगभग अप्रॉक्स 9 टाइम्स में ये डिवाइड कट गया इसके लिए। देयर फाइनली 195 इज द एससीएफ। ओके, ये हमारा एस सी हो गया किसका, तीनों नंबर का। ओके, तुम लोग घर में इसको चेक करोगे, करोगे तो एस सी एफ घर में चेक करोगे, इसके एस सी एफ किसके से निकालना है 4227 एंड 7585 का एस सी एफ निकालना है तुम लोग।